हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे कि जिनका लाइफ पार्टनर उनका एमवे बिजनेस करने में साथ नहीं देता है, सपोर्ट नहीं करता है, तो उनको क्या करना चाहिए ऐसा जिससे कि उनका लाइफ पार्टनर उनका बिजनेस करने में सपोर्ट करें। बहुत बार ऐसा होता है कि लाइफ पार्टनर क्या होता है, पब्लिक डील करने में हेजिटेट करता हो, ठीक है, उसको बाहर बोलने में शर्म आती है, किसी से मिलने में शर्म आती है, उस स्टेज पर उनको क्या करना चाहिए कि वो आपका लाइफ पार्टनर आपका साथ दे। तो मेरे हिसाब से मैं बात करूंगी, सबसे पहले आपको उनकी हेजिटेशन को दूर करना पड़ेगा, उनकी शर्म को दूर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है उनकी हेजिटेशन दूर करने के लिए, तो आपको करना ये है कि मान लीजिए आप मीटिंग करने के लिए या प्लान दिखाने के लिए बाहर जाते हैं, ठीक है ना। बहुत बार आप बाहर जाते हैं मीटिंग करने के लिए प्लान दिखाने के लिए, लेकिन आपको करना क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर साथ दे, उनकी हेजिटेशन दूर हो, तो आपको स्टार्टिंग की कुछ मीटिंग्स को घर में रखना पड़ेगा। घर में आएंगे तो घर में वो हेजिटेट नहीं होंगी जिस लेवल पे वो बाहर जाके हेजिटेट होती हैं, क्योंकि बहुत बार होता है ना, ड्रेसअप हो जाते हैं, टाई वाई पहन लेते हैं या नया सूट पहन लेते हैं, तो बहुत बार जो है इंसान हेजिटेट हो जाता है अपने कपड़ों के कंफर्ट लेवल के हिसाब से या किसी के सिटिंग के हिसाब से या किसी को देख कर वो हेजिटेट हो जाता है। तो ये इतनी सारी जो परसेंटेज है वो यहाँ पर कम हो जाएगी कि आप बाहर की मीटिंग को घर में अरेंज करें, ठीक है। जब घर में आएंगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहना कि आप मेरे साथ मीटिंग में मेरे साथ बैठो या मेरे साथ बताओ, ठीक है। तो आपको करना यह है कि आपको सिर्फ अपने घर में स्टार्टिंग की कुछ मीटिंग्स करनी है, जिससे कि वो किचन में खड़े खड़े या कहीं और खड़े खड़े वो आपकी मीटिंग के दौरान क्या बातें होती हैं वो सुन सकें, ठीक है। उनको ये लगना चाहिए कि एमवे बिजनेस बहुत हार्ड नहीं है, मतलब किसी से मिलना कोई शर्म की बात नहीं है, हेजिटेशन वाली कोई बात नहीं है। जैसे हम हैं वैसे आप हैं, आप हैं वैसे हम हैं, ठीक है। उनकी हेजिटेशन बहुत ज़्यादा इस लेवल पर तो कम हो जाएगी। तो बस आपको स्टार्टिंग के कुछ मीटिंग्स जो हैं घर पे अरेंज करनी है। और सेकंड ये है, और इन सब के बावजूद, जैसे इन सब को करने के बाद आपका पार्टनर जो है आपके साथ जाने को तैयार हो जाता है कि अब मैं थोड़ा सा रेडी हूँ बाहर जाने के लिए, तो आपको क्या करना है उस स्टेप में भी, सेकंड स्टेप में भी आपको उनको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ आपको फला फला बातें बोलनी है, ऐसे ऐसे बोलना है, इस तरीके से इंट्रोडक्शन देना है, तो आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है, क्योंकि उनकी हेजिटेशन दोबारा वापस आ सकती है, ठीक है। तो आपको बस उनको फोर्स नहीं करना, अगर वो आपके साथ बैठे हैं बीच बीच में कोई भी बात बोल रहे हैं या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में दो लाइन भी बोलते हैं, तो आपको क्या करना है, एडिफाई करना है उनको, वाह ये बहुत अच्छी लाइन बोली इन्होंने, ऐसे करके आपको एडिफाई करनी है, उनकी प्रशंसा करनी है, उस लाइन को दोबारा रिपीट करना है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और तीसरा ये है कि अगर घर के कामों की वजह से या रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो बाहर नहीं जा पाती हैं, मीटिंग नहीं अरेंज कर पाती हैं, बच्चों की वजह से नहीं कर पाती हैं, घर में बहुत सारे काम होते हैं जिनकी वजह से घर की गृहणियां नहीं साथ दे पाती हैं बिजनेस में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उनके कामों के बर्डन को कम करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कम करना है, ठीक है। अगर आपके घर में काम ज़्यादा है तो आप उनके काम में हेल्प करवा सकते हैं, किचन में हेल्प करवा सकते हैं, या आप कोई काम वाली लगा सकते हैं, घर को संभालने के लिए कोई नौकर लगा सकते हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ये काम आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और मैंने बहुत बार देखा है ये बात कि आपका लाइफ पार्टनर इस वजह से भी आपका साथ नहीं देता। चौथे नंबर पे ये है कि अगर इस वजह से भी आपका साथ नहीं देता कि उसे न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं है, एमवे प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं है, वो किस तरीके से आपके बाहर जाके आपके साथ क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, घर में कोई मीटिंग करने आ गया तो मैं तो नहीं जा रही हूँ या मैं तो नहीं जा रहा हूँ, मेरे को पता ही नहीं है वो प्रोडक्ट क्या है क्या नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने घर में कुछ प्रोडक्ट्स ला के देने हैं, उन्हें प्रॉपर उनको यूज़ करवाना है, आपको सिखाना है किस तरीके से यूज़ करना है। और जब वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करने में परफेक्ट हो जाते हैं या उसका सही इस्तेमाल करने लग जाते हैं, तब आपको क्या करना है, वही प्रोडक्ट की नॉलेज जिसको वो करने में परफेक्ट है, बहुत अच्छा इस्तेमाल करती हैं, उसी का एक्सपीरियंस आपको बोलना है कि वो दूसरे को अपना एक्सपीरियंस बताए कि आपको ये प्रोडक्ट क्यों अच्छा लगता है और किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से आप अपने लाइफ पार्टनर को अपने साथ ज्वाइन करवा सकते हैं। और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि
अगर इन सब बातों के अलावा भी ऐसा कोई तरीका नहीं बचा है आपके पास कि जिनसे आप अपने लाइफ पार्टनर को मना सके, तो आपको करना क्या है इसका भी सलूशन है मेरे पास। तो आपको क्या करना है, उनके क्या बड़े सपने हैं उसकी तरफ फोकस करना है, उनको फोकस करवाना है। अपने जो बिजनेस है, आपका एमवे बिजनेस है या कोई भी बिजनेस है, उसमें उससे क्या करना है, अपने बिजनेस को उनके ड्रीम से जोड़ना है कि अगर आप मेरा साथ देंगे तो आपका ये वाला ड्रीम पूरा हो सकता है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि आपको सच में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। थोड़ा टाइम बस आपके आपको अपने लाइफ पार्टनर को देना है, उन्हें समझना है, उन्हें समझने की कोशिश करनी है, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर आएंगे। और पॉजिटिव थॉट्स आप रखेंगे उनके बारे में, आप सच्ची सकारात्मक सोच रखेंगे तो डेफिनेटली वो आपका साथ जरूर देंगे। और अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। और अगर कुछ पॉइंट्स रह गए हैं तो प्लीज़ तो वो सब